हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ प्रतीक है? हाँ जी। तो ऐसा करिए, कल थोड़ा जल्दी आइए। जल्दी टाइम पे आ जाऊँगा। अरे टाइम पे तो आ जाएगा, मीटिंग है दिल्ली, इसलिए जल्दी आना है। अच्छा ठीक है जी। हाँ आ जाइए, लगभग 7 बजे आ लिए हैं। ठीक है जी, 7 बजे आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। ठीक है। बेटा अपना काम भी सुना चल रहा है और फिर भी तू टेंशन में रह है, के बात से है? अब पुनु क्या कर रहे हैं, पीछे जितना होना है उतना ही थोड़ा। और काला टेंडर अपन मिल गया ना, कल मीटिंग है उसमें टेंडर पास होगा तो अपने वारे नेरे हो जाएंगे। वो भी मिल जाएगा, भगवान ना चाहिए तो। हाँ देखो वही पे मीटिंग में फैसला होगा किसने मिला है, कई व्यापारी आऊंगे। बेटा हाँ माँ। कोई भी शुभ काम करने जाओ ना तो मंदिर में माथा टेकना चाहिए, माथा टेक कर जाइए। और वो भी सामने लाग रहा है, भोला बाबा तेरी दांव सुनेगा। माँ मंदिर में तो मैं रोज जाऊँ इस, लेकिन यो काम तो बहुत जरूरी है, इसमें तो मैं पूजा करके जाऊँगा। बेटा यो टेंडर तो तन्ने मिलेगा, क्यों आज मन बढ़िया सपना आ रहा है? हाँ बेटा, भगवान पर भरोसा रख, बहुत बड़ा काम बनेगा। अरे इसे तो कहने अभी ध्यान दे ले कि मैं खा पी लिया करे, टेंशन में दे कितना कमजोर हो गया ना। माँ थामसो तो मन टेंशन क्या की है, चल खड़े हो रोटी खा ले। चलो अपू थाम भी खा लो, आ जाओ। चल खा लेंगे भाई, आ जाओ घाल दे माँ। चल घनी चिंता ना करया कर। ना चिंता के अभी गाड़ी क्या रोक दी सर, आग जाम लग रहा है। अरे जाम में फंस गए ना तो टाइम लग जाएगा ना। टाइम पर पहुँचना जरूरी था, नहीं पहुँचे दिक्कत हो जाएगी, या मीटिंग अर्जेंट थी। प्रतीक। हाँ। ये औरत गाड़ी पे क्यों झूम रही है? सर ये हालात की मारे उड़ी हैं, ये भीख बैग मांगा है। भीख कोई नहीं मांगा करे, इनकी लाचारी ना मजबूर कर रही है ये काम करने पर। फिर नू है अपन इनकी मदद करनी चाहिए। ले नू ज्ञान कर, इन्हें पैसे दे देगी मैं। सर क्यों दो इन्हें पीछे, दे सांडन तो किस किसने दोगे? अरे शुक्र करे भगवान ने अपनी सामर्थ्य दे रखी है कि आप देश का ले दे दे इन्हें, कह देनी है। बेटा भगवान खराब लगा करो, तुम गरीब की मदद करो। सर पूरे एक आसपास में ना गम में रास्ता जाओ शॉर्टकट, वो एक दोस्त पूछ के और चला। हाँ पूछ ले है तो। हाँ पूछू मैं, अपन तो रास्ता से ही निकलना है। हाँ इतना कैसी है? हाँ साहब जी उन तो पैसे दे दिए, मैं रहेगी पैसा दे दो। पैसा विस्ती भी दो किसी सा फोड़ा है दे। दिव्या तू आप राजेश जी हो ना? हाँ पर तेरी हालत किस तरह हुई, तेरे तो मैंने 35 लाख रुपए दिए थे जी। यह बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, मेरा अपना नहीं मेरे तो धोखा दे दिया। दिव्या मन अक तो कौन तेरे तक कुछ पूछण का, लेकिन तू चाहे तो अपनी आप बीती बता सके जी। मेरी किस्मत खराब है, मन मेरा हालात पर छोड़ दो, किम पैसा दे दो, भूख लाग रही मैं रोटी खा लूँ। चल गाड़ी में बैठ, खाना खुआऊंगा तने और देख के हाल बना रखा है, नहीं लते दुआऊंगा। बैठ जा। ये बात बोलो, शर्म को नहीं आंदी आपने? शर्म किस बात की? और कोई भी गरीब बिचारी अबला नारी देखी गाड़ी का दोस्त दिखा के भीतर बिठा लिया? भाई साहब आपने बात का बेरा को नहीं, आप सोचो आप बात को नहीं, मैंने सारा बेरा है। ये अमीर आदमी आके चौचले हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हो तो हमें बहुत अच्छी डाल। ना ना इसी कोई बात को नहीं, ये तो मेरे हमदर्द है, मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं अपनी मर्जी तो बैठी हूँ। मैंने बेरा है भाई साहब, आपने गलतफहमी होगी, हमारा रिश्ता है बहुत पुराना,
कोई लोभ नहीं है मन इनते, बस मारी जान पिछाण बढ़िया है। चलो मन्ना तो के करना है ले। ठीक सर, चल बैठो। साहब होगी मेरी बात उस तय, पूरा पिछला गांव में रास्ता है। नोकिया न करें, हाँ बाद में चलेंगे, पहले कितने होटल होना अच्छा है, हाँ वहाँ गाड़ी लगा ले, खाना खाओगी दिव्या है। चलो ठीक है साहब। बस भर गया पेट। दिव्या रहा कित करे भी? मैं तो जी मंदिर के पास ही रहा करूँ, और कोई ठिकानो ना। प्रतीक तू एक काम कर, ये कुछ पैसे ले जा और इसके लिए बढ़िया सिक्स फाइड लिया। ठीक है सर। दिव्या हाँ, फिलहाल तो हम जल्दी में मीटिंग में जाना है, ठीक है, और आते वक्त हम आ जाएंगे तेरे पास और तुम ले जाएंगे, फिर पूछूंगा तेरी कहानी की है। ठीक है, ठीक है ना। आओ जी बैठो। रहो तुम। हाँ और मैंने कित ठिकाना है, यह मंदिर की जगह खाली पड़ी है, यहाँ गांव के लोग बाग भी मना ना करते रहने, बस यो ही आसरा मेरा। तो सुना के बैग पकड़ाइयो, मन लेट हो रहा है। लो लो रेडी है। और सुनो टिफिन में आज ना पनीर की सब्जी डाली है। ओहो पनीर क्यों डाल दी, किसने कही थी तेरती? इसमें कहना के है, या तो थारी फेवरेट सब्जी है, मैंने बना के टिफिन में पैक कर दी। डाइटिंग पे हूँ मैं, बैठे बैठे पेट लिख रहा होगा। और ये डाइटिंग वाइटिंग कितना पेट निकल रहा, देखिए कितने कमजोर होते हो, मोटी तो मैं ही हो रही हूँ, थर तो तगड़ी तो मैं ही लागू हूँ। मैं बताऊँ कोई लुगाई हो सही, धनी उसने कमजोर लगा से कितना मोटा होता हो। अच्छा तो खा लिया करो जो बना के दूँ मैं। चल मैं तो खा लूँगा, फिर तुमने की संग काट रखा है। मन्ने क्यों मेरे क्यों हो गया? तो फिर वो टूम ठेकरी बनवा रखी है, वो दरन खातर कुरन खातर बनवाई थी। पैर तो गणी लू, एक बात पहले नाई को नहीं, और दूसरी बात गर्मी देख कितनी पड़े हैं। गर्मी तो कोई मतलब कौन जानता, पारण की चीज पैर ही जाया करें। ठीक से तो ये पैर लूंगा बस। देखा है पहली बार, अब जाओ ड्यूटी। साजन की आंखों में प्यार। राजेश गया के मन्ना तो कोनी बेरा, ये सब भी तोड़ कुर्सी पर छोड़ कर जा रहा है, गाड़ी ना ले गया आज? गाड़ी तो लेके जाया करे रोज, मन्ना तो को बेरा ने। यह तो पूछू हूँ मैं, ये सब भी ताड़ से गाड़ी ने क्यों कर ले जाएगा वो? वो बहू न बुझू हूँ देखा। दिव्या ए दिव्या। हाँ माँ। अरे राजेश गाड़ी ना ले गया आज? ना माँ गाड़ी ना लेके गए वे। फिर क्या मंगाया है? बाइक लेके गए हैं। ये तो इतनी पुंडी गर्मी में बाइक ले गया, गाड़ी क्यों नहीं ले गया? माँ वो नहीं अपना ड्राइवर के नाम प्रतीक, आज वो आया नहीं, उसने कि मैं काम हो गया तो जा कर का थार बेटा बाइक लेके गया है। ठीक सवे बे, क्या कर लाग रही थी तू? बस माँ किचन में थोड़ी सफाई कर रही थी। ए बेटी सारा दिन काम का लागी रह है तू, नहा दो का आराम कर ले, क्या पुंडी गर्मी हो रही है, अब झाड़ू पोछा करके नहाना ही है। ठीक से नहा ले, अर लया सब भी धर दे ठिकाने सर, आंदा ही मांगेगा वो। ठीक से माँ। देख ले बहू सब दिन काम लागी रह है। के करा मने भी हाथ ना लाने दें काम का, या कित खूगे के सोचन लाग गए? बस कुछ नहीं, वो पुरानी बात ध्यान में आ गई थी। तय बता तू इस हाल में किस तरह रहे है? मेरी तो बहुत लंबी कहानी है। आज बता दे, मैं तेरी कहानी सुनना चाहूँ। आप तो तलाक लेना मेरी कोई इच्छा ना थी, या तो सारी मेरे जीजा की साजिश थी। साजिश मतलब है? मतलब यो आपको याद है वे पहली बार अपने घर ने आए थे। तो और सुना साडू, बहुत दिन में गेड़ा मारिया। गेड़ा तो क्या मारे भाई साहब, थोड़ा काम आया था तब में। काम आया है? हाँ यार भैया तेरा काम बेखटके हो गए बोले। भाई साहब नू था कि मेरा रुपये चाहिए थे मैंने। रुपये? हाँ अरे रुपया खतरा आया तू रे,
फोन कर दे अरे खाता में गिर दी अरे भाई साहब है इस बात का तो अमीन भी बेरा था रपये तो फोन पर भी गिर दें दे। पर मेरा भाई नो बोलिया चल साड़ी तभी मिल आवेंगे कई दिन हो गए रुपये भी ले आवेंगे। अच्छा रे थम तो थारी साड़ी मिलना आ गए मारनी साड़ी ने गिरी लिया और आम भी मिलने आ रहे तो साडो थम भी है जीव मिलने इस तरह हमारे चलो आवेंगे हेलो हाँ कितने 20 लाख में बात बनेगी रुपया की कोई बात को नहीं सही 22 लाख जा यो पलाटा पे ले आवेंगे हाँ हाँ बेखटको होके सौदा कर ले ठीक से पूछा दूंगा पीछे में 7 लाख 8 लाख हाँ ठीक है 8 लाख गिर दूंगा ठीक से ले चार्ज लगा दे इसे लगा दे के बात साड़ी नाराज से गए बोल तो नहीं थी मैं थार ते एक बार मिली तो आई बात दो बार मिलू तो आई बात तारी खाता खाना बनाऊं ठीक से तो नमस्ते तो कर जा रे एक बार कौन है भाई काम लाए रे होंगे और सुनाओ तो और कैसी बात बस बढ़िया है जी वो कर दो एक बार हम थोड़ा काम से खत्म गिर दूंगा मैं देख लो जी खत्म गिर दो वो भी थारी हां खत्म गिर दो चिंता ना करो ले जी वी रोटी खाते खाते कित गए बीच में बेरा को नहीं किसी छोरी का फोन आ रहा था छोरी का फोन आ रहा था नो बोली तावला आ जा मैं तो कहूं था रोटी खा लो भाई साहब रोटी खा लो उड़दा बाद की डाल डटे को नहीं लाऊं थोड़ी देर में संदीप जी उन्हें कोई जरूरी काम हो गया होगा नू बीच में जाएगा उन कर देवे छोड़कर रोटी ना जरूरी काम मन तो लाग गया को नहीं मन तो फोन पर नू सुना थी अब जल्दी आ जा मेरा मन को नहीं लाग रहा कि मैं एंड वेंड सौदा तो नहीं है किसी बात करो जीजा थम इसे कौन वे थे तो रहेगी बोली एक बार तो मेरा मिलन खातर आ रे और वो बीच में रोटी छोड़ के चला गया वो भी इकलूगा ही खातर तन्ना मन्ना को नहीं मेरा पटन दे ये सारे रुपया के चोचले हुआ है अच्छा तुम डटोगे जी जाग जाओगा जाओ हम तो चला संदीप आ जा भाई ठीक से अरे लंगड़ू तू तो झूठ बोल लिया करता और मैं भी झूठा बना दिया कड़ा छोरी का फोन आया था संदीप तेरी हाइट छोटी को नहीं तेरा दिमाग भी छोटा है जब आग भड़कानी होने तो उसमें घी गेरना पड़ा है अरे के आ गए अरे के घी मैं समझा तो कोनी तू क्या कहना चाहो है तू समझ ना तो मेरे पीछे पीछे को नहीं अंडर तेना देखा को नहीं कितनी प्रॉपर्टी का मालिक से लाख तो नीचे बात को नहीं करता अरे इन धनी बीरा के बीच में है ना फूट गेरेंगे ना जब दे अपना हाथ पल्ला की मैं आऊँगा अच्छा यह बात से ये फूट कुकर डाल लगा दूँ अरे फूट डाल तो आए छोटी सी चिंगारी गेरनी थी बड़ा गया अरे देखिए टेहम कौन लगा इनका घर तुरंत पाट जाएगा फिर भी अपन करना कैसा है इंतजार मौका पर चौका मारेंगे चलो ठीक से भाई चल आजा घनी बड़क ना लिया कर सुना है कि खाना तैयार हो गया तो लिया ने खाना उड़े ही खाया जिसके एक बोल पे भाग गया था के बोल रहा है तू सही बोलू मैं घर ने तो राम और बाहर कृष्ण का नहीं आ कौन तेरे कान भर गया इसी बात करने लाए रही कोई कान ना भर के गया सच का बेरा ही मना आज पाटा है कौन सा सच का बेरा पाट गया तने के कहने लाग रही है तू वो है सच जिसने तू छुपाने लाग रहे हैं घटिया आदमी बता दे मैंने कौन सा लुगाई शर्म कर ले तू के बोलन लाए रही से जमा शर्म कौन तेरा शर्म भी मैं करूं खोट खुद करे तो चुप हो जाने घनी बोलन लाए रही केलेगी चुप्पे तो थी इतना दिन तक और करी के रही थी आज बोल पड़ी तो छोटी आए बराबर का ईसा काम कर दूंगा गोड्डे में सिर दर्द की रहोगी इस तो बड़ा काम क्या करेगा तू खुद की लुगाई में धोखा देने लग रहा तेरा गलतफहमी से मान जा तू गलतफहमी मेरी है कौन माने तू कौन ही माने तू बता दे तो कौन थी वा कोई हो तो बताऊं खाम खा मेरा दिमाग खराब करने लग रही जब मेरा दिमाग खराब हो गया ना फिर देख लिए क्या कर देख तू क्या कर दूंगी मैं तलाक ले लूंगी तेरे घरे क्या बोलने लग रही है क्या बोलने लग रही है ये क्या बात होगी बेटी माँ बाप क्या होया थी गैर चाले तेरा बेटा देख ले माँ इंजाम लगाओ मेरे पे किसी बात करे है यो कर सका है कैसा काम मैं कर सके नहीं सकरन लग रहा है यो मैं नहीं थम भी अंधेरे में राख रखे हो इसने तन्ना राख दिमाग में तेरे में जंदरे
देखे आई वो हाथ उठा लेके मेरे पे अब बोलने लगे अब तुम्हें तो आज चाहिए चीज दे रहा है डट जाएगा के तुम आते हो देखी के लग रही है फिर के बात होगी न्यू उठाओगा तू बहू पे तन्नु बताओ के करूंगा सुहाई दी उसने तो हमने को नहीं बता दा तू बात के थी तो मां की बात हो तो बताऊं तन्ने के बेरा कौन मेरा फिर ये कहते सर पर चढ़ रही भाई आज लगता ना बोली इतनी आगे लग रही खाऊंगी आराम तो बैठ कर बात कराया करो लोगन तमाशे ना दिखाया करो आराम की बात थी के इतना बड़ा इंजाम लगाने लग रही है इंजाम लगाने लग रही बैठ जा बैठ जाऊं दिव्या बावड़ी हो रही है क्या बेटी तू इसमें बावड़ी क्यों हो रही है कह दी मैंने एक तोर लाख तो कौन रह रहा इस घर में मैंने ये तो बेटी कोई बात ना गलती मान ली उसने मेरे तय के माफी होती माँ जब बाबू ऐसा काम कर तू डट जाओगे घर में ए बेटी कदे कदे एक छोटी सी गलत फहमी जीवन बर्बाद कर दे है मन की मैं बात कौन सुननी थारी जीवन तो खराब कर ही दिया थारे बेटे ने मेरा ए बेटी क्यों मना बिगड़ा सा ये भी सोच ले सबकी में बिगड़ गया नूना और ले ठीक से और मन रोकन की जरूरत को नहीं ए सुन तो क्या कराएं भी इसका बोल भाई ए दिव्या गलती तो राजेश की भी है उसने भी समझना चाहिए वो तन्नु को हमा मेरी तो मड़ी सी भी गलती को ना या धक्का ऐसा कर रही है पूछ ली मन उस तत तो यार डटर तो बिठा के समझाओ यार दोनों ने फिर ये डट दी तो कोनी चल लिया हूं पकड़ के एक बार जा तो दिखा आनी तो मुश्किल है ए बहू वाह गई देख बाज दी जा है दांव पकड़ ले इसने झटका ले दांव हाथ मार ले इस पर बेबे क्यों गए बेबे मैं तो अपना घर छोड़ के आ गई क्या थे क्या थे गेत्र जी जा घर चले था घर चले किसी बात करे बेबे ईसा काम थोड़ी होया करे ईसा ही होया बेबे मैंने दांव ठोक मार मार बुझली पर आदमी मुचा कोनी ईसा लग गए तो कौन था जीजा थमने फेरा कोनी सुद्धी चिपकली गणे मच्छर खाया करे मैं उस दिन तने खुल के को नहीं बता सकया सख्त तो मन भी था जीजा जब पहली रन रोने रो दे तो मैंने बेरा चाल जाए अब तो मुझ तक क्या कही मैंने तलाक चाहिए कल न मैं तेरे ती बता दूं थारा घर पाट जा नाम किसका होगा मेरा अच्छा और मतलब तेरी साली का घर बर्बाद हो जाओ वो तो ना ठीक लागेगा थमे मैंने बुंडा बताओ रे ना तू टेंशन ना ले तू ही अड़ा कि ना हां आप देख लेंगे हम तू पड़क ना ले कह की भी तुम साथ सोना मेरे हां हम तेरे गेली हां रब पूरा साथ देवांगे ये भी भरोसा कोनी करी के डरे ना बेचैन रह तू तेरा भरोसा से जद तो पाठा का आगी उड़त है बस तो ठीक सजा भीतर ले जा के गई थी संदीप फंस गई ना मच्छी जाल में एक बात है भाई तो जाल का सत्ता ले रहा है जड़ा मारा है जाल उड़ा के मन के में उलझ जा है तो देख ले ही रुपया हटनी है ठीक भड़क ना ले मैं तेरे के लिए हूं साल तो टिंपल बोल किस तरह बुलाया हूं दिव्या का फरमान लेके आया हूं तलाक चाहो है तलाक चाहो है 35 लाख रुपये दे दोगा पंडा छुटवा दूंगा 35 लाख रुपये दिव्या ने मांगे हैं उसने अपना मुंह कही है कि मैं तलाक लूंगी और मैं क्या अपना दोहरा तक कहूँ अगली ने भेजा हूं ना जद आया हूँ अड़े और उसने साफ साफ कही है मैं तलाक दुआ दे चाहे किस तरह भी यह बात मैं दिव्या का मुंह तो सुना चाहूँ हेलो दिव्या ले बात कर दिव्या तो तलाक लेना चाहो है हाँ लेना चाहूँ यो डिंपल का ये सारी बात सच्ची है हाँ सारी बात सच्ची है एक ऐसी हो गया कि वो घड़ी थी दिव्या खत्म क्या जमाना था खूबसूरत जहाँ से अपना आशियाना था हाँ जी जाके कहो थे कहना तो के था दिव्या या पाड़ भर की जिंदगी बिना हम सफर का कटे को नहीं जब तू अड़न नू रहेगी ना तो अपना जीजा साड़ी का नाता बदनाम होगा लोग बिरंग किक के बात बनाओगे तो कह तो मैंने एक विचार कराया है जीजा तुम सोचोगे मेरे भले का ही गलत तो सोचो को नहीं बताओ के विचार से मैं नू चाहूँ तेरी खातर कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी दूसरी शादी कर दूँ
जिससे तय भी खुशहाल जिंदगी जी सके। दूसरी शादी जीजा ये ठीक रहेगा के? ए बेबे सू तो तेरे तो छोटी फिर तन्ने भी बेरा है न्यू कया करे कि औरत का धनी बिना संसार सुनना हो सह। सही कहती बेबे देख तेरे तो कितनी छोटी रही फिर भी समझदार बात करना रही और जब हम तेरे के लिए रहे तो क्या का दुख से है। ठीक से तो कर लो जीजा भी तुमने करना हो मेरी तो थारी हाँ माँ हाँ है। देख दिव्या तू को आओ हिब दूज भर और बढ़िया वर हिब तो न मिला कोनी और बढ़िया वर ढूंढन खातर तेरा नाम हमने कि दिखाना पड़ेगा। के मतलब जीजा के नाम दिखाना पड़ेगा मैं समझी ना। दिव्या ये 35 लाख जो तलाक के हैं ना किसे न को दिख दे हम कहेंगे तो भी विश्वास को नहीं करें। तू कहो है तो मैं एक तना प्लाट दवा दूँ उसमें मकान बनवा देंगे जब तेरा नाम घर का मकान होगा ना तो बाज के रिश्ता ले आऊँगे और इन 35 लाख में सारा काम हो जाएगा। ठीक से जीजा तुमने ठीक लागे जुकर कर लियो मैं तो थारी गैल सूँ। देख बावड़ी गणी सोचे ना सारे काम सही हो जाएंगे अनु करे बैंक में तुम्हारे रुपये कटवा लिया। ठीक से जीजा। ठीक से फिर कर लो काम। ओ संदीप। हाँ जीजा घने दिन हो लिए वो रजिस्ट्री वगैरह के साइन स्विन ना करवाने के मेरे क्या पे प्लाट लेने के कहो थे। कौन सा प्लाट क्यों मजाक करे जीजा तेरा दिमाग घूम गया के। अच्छा दोनों एक से हो रहे मजाक करोगे मेरी गल मैं पीछे कटवा के दिए थे मैंने पीछे। हाँ कद दिए थे झूठा जाम और लगाना के यार डिंपलिया तो अच्छा मार अगर न खा है अच्छा रह है फिर मार पे झूठा वाले जीजा इसे ताने क्यों मारो हो उनको खावे है। जिस दिन उस घर तक बैग ठकाई थी थमनी तो आसरा दिया था मेरे तय और आज ताने दो रोटियां के फिर आसरा सुख दुख खतर दिया था पर तो लगा लारी पति पति लग के इल्जाम इन्ना कितना भुगतान गया मैं इल्जाम क्या मैं लगाऊं तुम भूल गए के लेके मैं खुद ही तो देने वाली और दिए तो मन धरती थे तो नाम साल दो साल के बड़े साल भूल गए होंगे। बकवास ना करे ठीक से किसी बावली बात कर रहे हो सारे पीछे मन थर्त दे दे उनका लाभ मेरे धुरस है ही के तेरा दिमाग डिग लिया मन लग भाई दिमाग को नहीं डगया यार कतोड़ा करया कर दिया और दवाई बस उधर आई ये भी अपना घर का नंबर से जीजा मुंह संभाल के उजाड़ के को नहीं आई मैं अपना घर ने और मुंह संभाल के तू बोल उसने और वो भी इज्जत है मारा घर न रहे तू यू के था जीजा बताऊ तो और समझाऊ हूँ शमी ना बोला इतनी औकात को नहीं तेरी ठीक से मारा के शमी बोलना रही तू मन थर पे विश्वास ही गलत कर लिया। अरे विश्वास तो हमने कर लिया तेरे घर में रख लिया। अरे तुम के विश्वास करोगे तुम तो मेरे पूरे 35 लाख रुपए खा के बैठे हो। के कान लग रही है हाँ। ये सुन ले रे भाई मारन धक्के इसके सही कह रहा है ये तो गिर जाओगे पार्टी बन रहे यार ते आ जा 35 लाख सालन संधि और इसमें ड्राम ना दो दिया कर भाई। ठीक से किज्जा बैग ठाके थारे दोरे इस नरक में रहन तो अच्छा मैं मर जाऊं यो ठीक से। अरे यार तू नू बोलन लाग रही मैंने करके दिया वो तो बता दे तमने मेरी बहन के पीछे अड़प के और उसती धक्के मार के काट दी फिर भी पूछो के होया है। अरे तेरे किसने कान भर दिए अगवा धक्के मार के काटी है पीछे हट लिए तू पागल हो रही है मैं क्यों काटू था अब पे गई हुआ प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता को नहीं होंगी उसने खुद बताई है मेरे तई मैंने रोकने की कोशिश बहुत करी फिर रुकी को नहीं रोन दी जा थी। तो फिर तू क्यों जा है यार मानू मेरे पर गलती हुई है मैं गलती मानू तेरे पर मेरी बहन ने इतना बड़ा गा दे के तूनू सोचा मैं तेरे रह जाऊंगी मैं को नहीं रहन दी यार मैंने यो अपना भविष्य खातर कराया है तेरी खातर और अपना होने वाला बच्चा खातर जिब्बे तो जाऊं हूं मैं ताकि तेरे जैसे गंदे इंसान की इस पे परछाई भी ना पड़े तो इसका चेहरा देखने खातर भी तरसेगा कि तन्ने किसके गल के गलत करया है। समझ ले यार पूजा ना जा मेरे पे मानू हूं गलती होगी यार हटने तू छोड़ मेरे ती पूजा देख ले यार देख तेरी छोटी सी गलती के कारण अपना घर बर्बाद हो गया जब तू उसकी बात तम नहीं आवार ने तो यह कहानी कौन बना रहे। ठीक कहो उस समय बुरा चल रहा था और वह घड़ी इसी फिरी उसके साथ मेरी बुद्धि भी फिर गई। छोड़ो तमीन बात ने नु बताओ माँ बाबू ठीक से। हाँ माँ बाबू ठीक से माँ भी ठीक से बाबू भी ठीक से।
मन मिला दो ने एक बार उनते, मन उनकी गैल बहुत बुरा व्यवहार करा है, बस एक बार मिल के उनते माफ़ी मांगना चाहूँ। एक बार जब मैं माफ़ कर दे तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर लूँगी। देख दिव्या, अपना तलाक हो रहा है, उस घर में जाने का तरक तो सह पानी, फिर भी तू कह है तो इंसान इतना तक ले जा सकूँ, चाल पड़ो। चलो एक बार मिलवा दो बस माँ बाबू ते। चल कौन आई लाइट आज भी माँ दिव्या बेटी तू आड़ है? हाँ बाबू आए, तू तो तोड़ करके गई थी, ये बाड़ा किस तरह? माँ वो एक बुरा दौर था, मन अच्छे बुरे की समझ ना थी, जाने अनजाने में मैंने बहुत अति करिए थारी गल, मैंने वो नहीं करना चाहिए था, बस उस गलती का पश्चाताप करण खातर माफ़ी मांगण आई हूँ, मेरे तो नादानी में गलती होगी, माँ माफ़ कर दो। बेटी हमने तो उस दिन भी तेरे तक के मना कही और आज भी के मना कर दे, तन्ना अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वह भी बहुत बड़ी बात से, और माँ बाप तो माफ़ करने के यूँ हैं, बाला गलती करो वो माफ़ करो, हमने तो कर रखी है बेटी माफ़ तू। बस मन माफ़ी चाहिए। हाथ ना जोड़, कोई बात, तेरा गलती का एहसास हो गया, मारा खतर तो यह बहुत से, और अपना घर संभाल दूँ। और बेटी कितने दिन हो गए आंगन सुनना है तेरा बिना, है हम क्या कर लेंगे, बुढ़ा बुढ़ी हम के बेरा कदम मर जावा, घर तो थमने संभालना है ना। माँ घर कौन संभालना मैंने, जब मैं छोड़ के ही चलेगी, अब कोई ठिकाना ना है, बस मन तर तो माफी चाहिए थी। ठिकाना क्यों कोनी बेटी, बावड़ी होगी के तू। ए बेटी तू घनी चिंता ना करे, संसार में ईसा इंसान कोई कोनी जिस तक गलती नहीं हुई हो, और नौका आकरे ईसा पेड़ दुनिया में सही कोनी जिसका हवा नहीं लगी हो, और मारे खातर तो इतना है बहुत सह, मारी बेटी मारे घर आ गई। सही बात सर, बस मेरा तो यहाँ तक ये काम था, बस तुमने माफ़ कर दी और कि मैं ना चाहिए, अब जान दो मैंने। ये कित जा बेटी, घर न्यूना कोनी, न्यूना सह। माँ इस घर में इसका कोई अधिकार कोनी, इसका मेरा तलाक हो रहा है, तलाक ले रखा इसने। बेटा तलाक कोर्ट ने दिया था, हमने तो दिल तक नकारी या हम अपना लग रही इसने। बाबू तो समझदार कोनी, कानून की नजर हम पति पत्नी कोनी, इन्हों बता किस हक रख सकूँ मैं इसने। डट जा रे, ये बह इतना बड़ा ना होया है तू, अक अपने फैसले खुद दे लेगा। तू बोल बेटी क्या चाहो है? माँ मैं क्या चाहूँगी, गलती तो बहुत बड़ी कर रखी है, और मन तार चरणा में जगह मिल जाओ, उसका लाभ मन तार तो कि चाहिए भी ना। बोल भाई बे। माँ क्या बोलूँ माँ, समाज की मान लेगा इस बात ने, पहले तलाक होया था, हरी इसमें रखोगे? बेटा वो मन का मैल था, वो धो गया इसका, ईब जमा साफ हो गया, और जब यह घर बसाना चाहो है तो एक मौका और देना चाहिए इसने। कोर्ट ने दिया ना तलाक, तो माँ पीछे लेगी थी 35 लाख रुपये, थमने कौन मेरा इस बात का? अरे तो क्या बात को ना, कोई होगी होगी मजबूरी, जो पीछा हो लिया वो हो लिया, उसने जितना ठावांगे उतनी बात बढ़ेगी। वह तो ये गड्ढे मुर्दे उखाड़ने में क्या मन आंदा, घर बसा ले बेटा अपना, हर जा तू नहीं चाहता हो, अगर मन तलाक ले लिया तो हम तेरा दोबारा ब्याह करवा देंगे, धूम धड़ाकत है, अरे शे बहू न ले आऊंगी। बोले माँ मैं आज थी थरक फैसले खिलाफ कदे गया हूँ, थम करोगे वो ठीक से? ठीक से ना, ते भी वो नाड़े रहने दे। बेटी दोबारा इसी गलती ना करिए कदे। ठीक से बाबू, अगत इसी गलती कदे भी भूल के भी ना हुए। बेटी सीख तो पत्थर ने भी पाड़ दे, अरे ये लोगों के शिकायत बुकायत है बहुत, घने घर बर्बाद हो रही से, ढूंढना पाड़ दिया कर किसे की ना मानिए, ये अपना घर बसा ले। चल हलो राम राम जी सारा ने, वीडियो थमी ने देख ली, इस मामी ने के दिखाने की कोशिश करी है कि आदमी थोड़ा बोड़ा हो है, शरीफ हो ना,
उसका हर कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह डिंपल उठाने लाग रहे थे, क्योंकि ये आदमी गणेश शरीफ रह गए और यार रहेगी इधर यारी यार रहेगी बोली। तो भाई नू समझो कौन थारा अपना है कौन पराया है। नू कहा कर हर किसी ने अपना घर का भेद नहीं देना चाहिए, अगर भेद दे दिया ना तो पक्का ना पक्का कितने कितने सेध देगा। और भाई रिश्ते नू टूट के खत्म को नहीं हो आकर अगे एक बार कह दी तू जा तलाक हो गया तेरे पास शक हो गया ना यार शक भी इतना ही पाट दिया कर उसना अपना बीच में ना आने दो, हर बात सोलो उसका है अगर अभी बैठ के करा दो। और ईसा कोई घर को नहीं भाई जिसमें छोटी मोटी कया सुनी नहीं होती हो। हाँ छोटी मोटी कया सुनी ना देख के ना मान के ना अपना घर बर्बाद ना करो भाई, मारी तो यही कहना है। बाकी वह स्टोरी हमने देख ली के दिखाने की कोशिश करा, हाँ मार तो ज्यादा आप समझदार हो बिल्कुल। इसके साथ ही जय हरियाणा जय जय भारत। एक बात रहेगी भाई हमारा 1 लाख का परिवार हो गया आपका बहुत सहयोग रहा है, उसके तहे दिल से हम आभारी हैं। बहुत बहुत थैंक यू। इस परिवार ने तावड़ा 1 मिलियन का और कर दो फिर धामी ने और बढ़िया बढ़िया वीडियो दिया करांगे। एक बात और भाई लाइक और शेयर बेशक ना करो भाई लेकिन कमेंट करके नू मत जरूर बताओ भाई हमने इस नाटक में क्या कमी छोड़ दी। हाँ ये पक्की बताओ भाई। चलो जी राम राम सारा ने जय श्री श्याम जय श्री श्याम।